और एक प्रश्न है कि जो दर्शकों ने भी बहुत सारे इस तरह के प्रश्न पूछे हैं कि इस समय जो प्री पोल सर्वेज होते हैं वो बता रहे हैं कि मोदी सरकार अगर बनी भी तो अल्पमत की बनेगी, बहुत मुश्किल से वो अपना बहुमत जुटा पाएंगे और खिचड़ी सरकार भी बन सकती है और हो सकता है कि महागठबंधन और तीसरा फ्रंट के मिल करके भी सरकार बनाए। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि कोई चमत्कार ही होगा जो मोदी जी को दोबारा सत्ता मिले आएगा, तो देखिए चमत्कार हो सकता है। देखिए राजनीतिक विश्लेषक जो है ये 2014 के लिए भी यही मत था उनका। राजनीतिक विश्लेषकों का 2014 के लिए भी यही मत था, लेकिन चमत्कार हुआ। अब जो है देश जो है ट्रांजिशन की स्थिति में है, अगर नीचे आया तो खत्म और उससे ऊपर गया तो देश को कोई उन्नति में कोई रोक ही नहीं सकता। आप देखिएगा कितनी चीज़ें मोदी जी के उसमें टेक्नोलॉजी में कितने चेंजेस हुए हैं। अभी 16 से 18 साल के बच्चों ने एक सैटेलाइट सबसे कम वेट का वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बना दिया, जो आपका जो प्रक्षेपण में जो सबसे कम वेट का जो उन्होंने जो ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया है ये एक नई क्रांति आ गई है, जो आपका ब्रह्मांड के पॉल्यूशन को भी खत्म करेगा। तो ये इनके उसमें उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, यहां से क्लैरिटी है। आपको 10 पैसे पहुंचने हैं तो 10 पैसे आपके अकाउंट में पहुंचने हैं। मीडिएटरी खत्म कर दी, मीडिएटर जो हैं वो खत्म हुए हैं, उनको बड़ा कष्ट हुआ है, कुछ मुट्ठी भर है लेकिन बेनिफिशियरी तो बहुत हैं। तो आप किस तरीके से अंदाजा लगाते हैं कि मुट्ठी भर मीडिएटरों के कारण क्या नीचा देखना पड़ेगा, या बेनिफिशियरी ज्यादा हैं तो उनके कारण मोदी जी को फायदा होगा? बेनिफिशियरी ज्यादा है ना। आप ये देखिएगा 2014 से पहले का इलेक्शन दिल्ली का इस बात पे लड़ा गया था कि आपको 9 के 12 सिलेंडर देंगे, और उस टाइम पे सिलेंडर के लिए लाइन में दो दो तीन तीन दिन आपको वेट करना पड़ता था। चार चार दिन की बुकिंग के बाद हफ्ते हफ्ते की बुकिंग पे आपको सिलेंडर मिलता था। आज सिलेंडर धक्के खा रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा नहीं होती है। हाँ। और घर घर में मोदी जी ने मुफ्त में गैस गरीबों को पहुंचा दी है, जबकि इसके लिए कितनी सिफारिश करनी, बिजली पहुंचा दी है, सड़कों का कितना फास्ट बनना। अब मैं अभी ज्यादा बाहर की तरफ नहीं गया हूं, पर एनसीआर में जो देख रहा हूं इतनी फास्ट प्रोग्रेस, आप भी देखिएगा आपके सामने है। हमारे एक अंतिम प्रश्न है चलते चलते, और ये जुड़ा है मोदी जी की कूटनीति को लेकर के, जहां मोदी जी ने अपनी कूटनीति से पाकिस्तान जैसे देश को एक तरह से भिखारी बना दिया। देश में जो मनमोहन सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक मूक प्रधानमंत्री की जो संसार में छवि बनाई थी उससे इन्होंने अपने आप को बहुत अलग प्रस्तुत किया, और इस समय भारत की जो स्थिति है मोदी के नाम से एक तरह से भारत पहचाना जाने लगा, इस सारी दुनिया को अपना मित्र बना लिया। फिर क्या कारण आप देखते हैं कि दुनिया भर को मित्रता की डोर में बांधने वाले मोदी जी अपने ही देश में अपने ही राजनीतिक घरानों के बीच एक तरह से अस्पृश्य करार दिए जा रहे हैं और वो सबके लिए दुश्मन बन गए हैं? तो क्या लगता है कि आपको उनकी कूटनीति विश्व के स्तर पे तो कामयाब रही, लेकिन राजनीतिक धरातल पर देश की जो स्थिति रही है और देश की राजनीतिक स्थिति वहां पर कामयाब नहीं हुई? देखिए एक अच्छे लीडर में क्या क्या होना चाहिए, जो स्ट्रांग लीडर होता है, बहुत स्ट्रांग, जिसको डिक्टेटर बोलते हैं, वो ये बोलता आई एम ओके यू आर नॉट ओके, सिर्फ मैं ठीक हूं आप लोग ठीक नहीं है, जो मैं कह रहा हूं इसको करिएगा। मींस यहां से उनको क्लैरिटी है व्हाट इज शी इज गोइंग टू डू, दैट इज करेक्ट, और उसका रिजल्ट ठीक होगा। लेकिन ये पास्ट में थी। अब जो मैनेजमेंट की किसी चीज को मैनेज करने की जो फिलॉसफी है वो ये नहीं है। अब ये है आपकी इमोशनल एक्सलेंस। इमोशनल एक्सलेंस क्या, आपके दिल को समझें,
आप क्या चाहते हैं और उसको समझकर आप में से मैक्सिमम काम लिया जाए। अगर आप देखें तो मोदी जी ने स्टार्ट किया आई एम ओके यू आर नॉट ओके, उसमें उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, लेकिन उनमें इमोशनल एक्सलेंस की कहीं पे कभी नहीं है। ही इज बेस्ट देयर। उन्होंने देखा गरीब किस किस चीज से, किस किस कठिनाइयों से जूझता है, गरीब गरीब क्यों है, उसको उन्होंने स्टडी किया ग्राउंड लेवल पे और उसके हिसाब से उन्होंने पॉलिसीज बनवाई और वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई। अब अगर आपके लिए, किसान के लिए, अगर आपका जो है, आपको अगर ऊपर वाला ना चाहे, फसल अगर नुकसान होती है तो जितना आपका पैसा बनता है सीधा आपके अकाउंट में जा रहा है। पहले मीडिएटर्स के थ्रू पहुंचता था, यहां से 100 रुपये चलता था, वहां 10 रुपये पहुंचते थे। अब 100 का 100 रुपये जब आपके पास पहुंचेगा तो ये इमोशनल एक्सेलेंस ही तो है। एक गरीब के घर में जहां धुआं होता था, उन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया। एक गरीब इलाज के बिना तड़फ तड़फ कर जान दे देता था, बिलो पॉवर्टी लाइन या एक पॉवर्टी लाइन के सबके लिए जो उन्होंने 5 लाख का बीमा किया है, कितनी बड़ी चीज है। अभी तक क्यों नहीं हुआ 70 साल में बीमा? जो बीमा में आरक्षित थे उनको भी बीमा नहीं मिलता था लचर पॉलिटिक्स के कारण। हमारा प्रश्न आपसे ये था कि देश भर के राजनयिकों को, देश भर के नेताओं को तो मित्र बना लिया मोदी जी ने, लेकिन अपने ही जो देश के राजनीतिक घराने थे उनसे मित्रता क्यों नहीं? देखिए, आप भी नेता हैं, मैं भी नेता हूं, तो मेरे में और आप में एक प्रतिस्पर्धा है। आप मेरे मित्र कभी बन ही नहीं सकते। आप मित्र तब बन सकते हैं जब राजनीति छोड़ के आप साधु बन जाएं, फिर बोलें कि मोदी जो कर रहा है बेस्ट कर रहा है। अदरवाइज आपको मोदी जी की हर चीज में कमी नजर आएगी। तो बेस्ट लीडरशिप के जो गुण हैं वो इस टाइम की जो लीडरशिप है उसमें साफ प्रत्यक्ष नजर आते हैं। वो देश की सोचते हैं, देश को झुकने नहीं दूंगा, लोग देश को बेचने को तैयार बैठे हैं। क्या यही विरोध की राजनीति और यही मोदी जी के विरोध के प्रति जो सुर उभरे हैं यही उनको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, आज से 2 साल पहले मैंने जो भविष्यवाणी की थी उसमें ये बोला था मोदी जी का जितना विरोध होगा उतना वो निखर के आएंगे। दूसरा, मोदी जी के लिए मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उनको अपने डेकोरम के हिसाब से जवाब देना है। छुट भैये नेताओं की हर बात का वो जवाब ना दें। अपने डेकोरम, ही इज नॉट ओनली नेशनल, ही इज अ इंटरनेशनल लीडर, और इंटरनेशनल लीडर को अपना डेकोरम बनाए रखना है। छोटी मोटी बातें जिनका उनको ऑटोमेटिकली माइलेज मिलेगा उसको उनको पब्लिकली डिस्कस करने में समय बर्बाद करना ही नहीं है, उनको समय बर्बाद करना अपनी उपलब्धियां बताने में, अपनी आगे के प्लान, अगले 5 अगले 10 साल में आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं वो प्लानिंग बताइएगा। जबकि उनके अगेंस्ट कोई ऐसा नेता उनकी ओरा में ऐसा आता ही नहीं है जो साल का प्लान दे रहा हो कि देश को मैं कहां लेके जाऊंगा। सिर्फ उनके पास एक प्लानिंग है कि मोदी को नहीं आने देना, किसी भी तरीके से मोदी को रोको। इस प्लानिंग के तहत जो चल रहे हैं क्या वो सक्सेसफुल होंगे? देश की जनता क्या इस षड्यंत्र को समझेगी कि जो विपक्षी दल जो एक हो रहे हैं वो उनके लिए नहीं हो रहे हैं बल्कि एक व्यक्ति को हटाने के लिए और अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए? ये पब्लिक है, सब जानती है, समझती है इस चीज को। तो आप देश का जो नया गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसके लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपनी? देखिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए हमारी ये शुभकामनाएं हैं, सब सुखी रहें, संपन्न हों,
और देश के साथ कदम मिला के चलें। देश के हित की बात करें। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको हमारा ये संवाद श्री संत बेतरा अशोक जी के साथ? अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर देना मत भूलिएगा। 2019 का लोकसभा चुनाव निर्णायक साबित हो सकता है, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करिएगा, क्योंकि ये आपके भविष्य को हो सकता है कि क्षण भर के लिए त्वरित लाभ दे सके, लेकिन उसका आने वाला जो प्रभाव होगा वो हो सकता है कि आपके ऊपर नकारात्मक पड़े। तो क्षणिक लाभ के लिए अपने भविष्य को दांव पर मत लगाइएगा, यही हमारा आपसे अनुरोध है। आप समझदार हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं, और हमें आशा है कि आप अपना निर्णय बहुत सोच विचार के बाद सही निर्णय लेंगे। देश के विकास में अपना योगदान दीजिए और हमारा चैनल देखते रहिए अखंड मंथन, क्योंकि समय से पहले समय की जानकारी सिर्फ यहीं मिलती है। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार। नमस्कार।